Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 11 of Introduction to Wave Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर. आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्क्वायर रूट, टेस्टी थ्योरम एंड क्लॉरली को डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और उसके क्लॉरली को डिस्कस किया था. तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे. तो इस टॉपिक में हम बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी वी प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स साइड दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू. बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी हम यहां पर ये प्रूव करेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, कि एक एक्स ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर क्या आता है, टू के इक्वल आता है. तो देखें, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास x की क्या वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट. तो टू स्क्वायर रूट ही एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आएगा. अगर आप टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें अगेन, तो ये देखें किसके इक्वल आता है, टू के इक्वल आता है. तो यहां पर हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये प्रूव करना है बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी कि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आता है. तो ये सिर्फ टू स्क्वायर रूट ही एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आएगा. इसके अलावा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा सिर्फ इस नंबर के अलावा. ठीक है, सिर्फ यही नंबर एग्जिस्ट करेगा, इस नंबर के अलावा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमने यहां पर ये चीज प्रूव करनी है. तो इसलिए इस टॉपिक का नाम भी एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्क्वायर रूट है. ठीक है, वी शोन अर्लियर दैट एक्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर. तो हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आता है. ये हम प्रीवियस लेक्चर में इस थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आए, ये सिर्फ इरेशनल नंबर हो सकता है. थस वी विल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन इरेशनल नंबर. सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आता है. वो कौन सा इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, टू स्क्वायर रूट. ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. क्या है, इरेशनल नंबर. तो यही एक इरेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आता है. तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर टू के इक्वल आता है. तो अगर ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो टू स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है. तो यहां पर हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं, यही थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्क्वायर रूट. तो उसको हमने इस तरह डिफाइन किया है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स साइड दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू. तो हम यहां पर ये प्रूव कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है एक्स साइड दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, जिसका स्क्वायर क्या आता है, टू के इक्वल आता है. अब इसका प्रूफ देखते हैं. लेट एस, यहां पर हमने एक सेट एस डिफाइन कर लिया है. अब ये सेट कैसा है, एस बिलोंग्स टू आर, एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो एंड एस का स्क्वायर इज लेस देन टू. यहां पर हमने जो एस डिफाइन किया है
उसमें देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये सेट हमने एस लिख लिया। अब इसमें स्टूडेंट्स कौन से नंबर आ सकते हैं कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, तो मतलब जीरो आ सकता है। तो जीरो का स्क्वायर क्या लेस देन टू है? है, जीरो का स्क्वायर स्टूडेंट्स लेस देन टू है, तो ये इसमें जीरो एलिमेंट आ सकता है। और देखते हैं एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, मतलब यहां पर वन भी आ सकता है बिकॉज वन इज ग्रेटर देन जीरो। और वन का स्क्वायर क्या है? वन का स्क्वायर इज लेस देन टू है, मतलब यहां पर वन भी आ सकता है। तो सिर्फ इसमें यही दो एलिमेंट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं टू की, टू तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन टू का स्क्वायर इज नॉट लेस देन टू, तो टू इसमें एलिमेंट नहीं आ सकता। तो सेट एस में सिर्फ जीरो और वन एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये सेट हमने यहां पर एस को डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट है एस इज नॉट एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस क्या है? नॉट एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है। देखते हैं ये जो हमने एस यहां पर डिफाइन किया है ये क्या है? नॉन एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट नहीं है बिकॉज इसमें दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एस इज बाउंडेड अबव। एस क्या है? एक बाउंडेड अबव सेट है। यहां पर जो स्टूडेंट्स बाउंडेड अबव की कंडीशन होती है तो यही कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन टू, तो टू इसमें स्टूडेंट्स क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है, जो अपर बाउंड होते हैं स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स ग्रेटर होते हैं उस सेट के बाकी एलिमेंट्स से। देख लें टू जीरो से ग्रेटर है, टू वन से भी ग्रेटर है, या जीरो लेस देन टू है, वन भी लेस देन टू है, मीन टू इज एन अपर बाउंड। ठीक है, अगर आप इसको यहां पर रियल लाइन ड्रा कर ले, ठीक है ये रियल लाइन है आपके पास, यहां पर आपने ये सेट एस डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल ये सेट एस है। ठीक है, और यहां आप समझ लें ये कोई टू है, तो टू इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट एस। एस के दो एलिमेंट्स हैं जीरो और वन, और ये दोनों इस टू से लेस हैं। ठीक है, तो एस इज बाउंडेड अबव टू, टू बीइंग एन अपर बाउंड। टू इसका क्या है? अपर बाउंड। यहां पर आप देख सकते हैं टू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अगर सेट एस का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट। अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी सुप्रीमम ऑफ दैट सेट एग्जिस्ट, उस सेट का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। यहां पर हमने लेट एक्स को हमने सुप्रीमम ऑफ एस कह लिया, यानी ये सपोज कर लिया कि एक्स इज द सुप्रीमम ऑफ सेट एस। क्लियरली एस, अब ये जो सुप्रीमम होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा, ये क्लियरली बात है। तो जो सुप्रीमम होगा वो सेट एस के एलिमेंट से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, वन इज बिलोंग्स टू एस, देख लें वन सेट एस का एलिमेंट है, सो वन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, तो सेट एस का वन अपर बाउंड नहीं हो सकता। यानी जो सेट एस के एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी अपर बाउंड नहीं होते। ठीक है, अपर बाउंड में ये स्टूडेंट्स सेट एस से, अब ये जितनी भी ये वैल्यूज ग्रेटर वैल्यूज हैं ये अपर बाउंड हो सकती हैं लेकिन सेट एस के एलिमेंट्स नहीं हो सकती। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एक्स, यानी सुप्रीमम जो हमने एक्स सपोज किया था ये ग्रेटर देन वन होगा, ये वन से अबव होगा। ठीक है, वी शैल प्रूव दैट के सुप्रीमम का स्क्वायर इज इक्वल टू टू।
यहाँ पर हम ये सपोज यानी ये प्रूफ करेंगे कि सुप्रीमम का स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो यहां से हम सुप्रीमम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो यहां से आप सुप्रीमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगी, 2 स्क्वायर रूट आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर आप 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं ये 1. समथिंग आती है, तो ये स्टूडेंट्स 1 से ग्रेटर होती है। तो सुप्रीमम स्टूडेंट्स इस सेट एस का हमारे पास क्या आता है, 2 स्क्वायर रूट आता है। और हमने यहां पर ये प्रूफ करना है कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ये चीज हमने यहां पर प्रूफ करनी है। तो इस चीज को हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स ये सपोज करने लगे हैं कि इफ नॉट, अगर सुप्रीमम का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं है, यानी यहां पर हम स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यहां पर हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। हम ये यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि इफ नॉट कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 हो, यहां पर हम दो केसेस यहां पर कंसीडर करेंगे कि अगर सुप्रीमम का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि वो ग्रेटर देन 2 हो जाए, ये केस नंबर 1 है। और केस नंबर 2 में हम स्टूडेंट्स ये प्रूव करें, ये सपोज करेंगे कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज लेस देन 2 है। ठीक है, ये हम यहां पर दो केस कंसीडर करेंगे। पहले केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीमम का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं है तो केस नंबर 1 में हो सकता है कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 हो। और सेकंड केस में हम ये सपोज करेंगे कि हो सकता है कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज लेस देन 2 हो। तो जो हम यहां पर ये दोनों सपोजिशन कर रहे हैं तो इनको हम अगर रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं देन हमारे पास जो रिजल्ट था कि सुप्रीमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फिर ट्रू हो जाएगी। अगर हम इन दोनों केसेस को रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं देन जो सुप्रीमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर हम पहला केस डिस्कस करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 2 देन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप यहां पर गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है, तो यहां से ये हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि अगर आप 2 को इस साइड पर लेकर आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है और यहां पर देखें सुप्रीमम वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने देखा था सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 स्क्वायर रूट आ रही थी और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है। यहां पर हमने वही एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर हम एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो हम यहां पर इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को यूज करने लगे हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2x इज ग्रेटर देन 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे बना लिया। ठीक है, एक ये हमने काम किया है। बाय नेक्स्ट आया कि बाय यूजिंग अर्शमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ R, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट 1 ओवर m इज ग्रेटर देन 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2x। बिकॉज अगर आप इस चीज को स्टूडेंट्स एप्सिलॉन कंसीडर करें, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, आप इसको एप्सिलॉन भी कंसीडर कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है। अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो तो बाय यूजिंग आर्शमेडियन प्रॉपर्टी तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करता है such that 1 over m is greater than 0 और ये लेस होता है इस वैल्यू से।
इसको आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को। तो देखें अगर इससे आगे हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, अगर आप 2x यहां से मल्टीप्लाई कर लें और यहां से भी मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या रिजल्ट आता है। तो ये आता है स्टूडेंट्स 2x ओवर m इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर डबल स्टेरिक कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स x माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर लेते हैं क्या ये वैल्यू क्या आती है, तो x क्या है सुप्रीमम है, ये आपने याद रखना है x क्या है सुप्रीमम और ये कोई बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो यहां पर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये एज अ एग्जांपल तौर पर मैं ड्रॉ करता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल ये कोई सुप्रीमम है, ठीक है, ये कोई सुप्रीमम है, x हमारे पास सुप्रीमम ही था जो कि हमने प्रीवियस सपोज किया था। अगर हम सुप्रीमम में से कोई नंबर ये 1 ओवर m क्या है स्टूडेंट्स, 1 ओवर m इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है या आप कह लें रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये 1 ओवर m इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। अगर आप सुप्रीमम में से इस नंबर को माइनस करते हैं देन देखें अब इसको अगर आप स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 2x ओवर m। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m प्लस 1 ओवर m स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू ये हमेशा ग्रेटर होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m से, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m ये हमेशा ग्रेटर होगा 2 से, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर ये मैंने कंसीडर कर लिया था x, यानी x माइनस 1 ओवर m को मैंने एज अ x कंसीडर किया था, और अगर इसका मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज केस नंबर 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो मैंने पहले इसका स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर जो ये वाली टोटल वैल्यू है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2 + 5, ठीक है, + 7। अब ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स इसको हम कह सकते हैं कि इज ग्रेटर देन 2 + 5 से, यही बात यहां पर लिखी हुई है कि ये टोटल जो वैल्यू है ये ग्रेटर है इस वैल्यू से, और ये वैल्यू ग्रेटर रहनी चाहिए किससे 2 से, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ये केस नंबर 1 है। तो यहां पर वही मैंने लिख लिया कि x माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर m इज ग्रेटर देन 2। सिंस x इज ग्रेटर देन 1 ये भी हमने प्रीवियस देख लिया था, x क्या होगा सुप्रीमम हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और देखें ये x माइनस 1 ओवर m ये भी पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, यानी अगर x माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर ये पॉजिटिव है तो मतलब x माइनस 1 ओवर m ये क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन 2 ही है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो ये शो करता है कि x माइनस 1 ओवर m इज एन अपर बाउंड, ये चीज शो करती है कि x माइनस 1 ओवर m क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होगा कि ये भी कोई अपर बाउंड होगा, विच कंट्राडिक्शन दैट के सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू x। अगर हम देख चुके हैं अगर ये सुप्रीमम हो x तो इसमें से अगर आप कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं तो वो सुप्रीमम नहीं रहता, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 4 इसका सुप्रीमम है तो 4 में से अगर मैं 4 ये सुप्रीमम है और इसके 5 अपर बाउंड है 6 अपर बाउंड है, ठीक है, 7 भी अपर बाउंड है अप टू सोन ये सारे अपर बाउंड हैं, लेकिन 4 क्या है फॉर एग्जांपल इसका सुप्रीमम है, तो अगर आप 4 में से कोई नंबर
माइनस कर देते हैं पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4 में से मैं अगर 1 को माइनस कर देता हूं, तो अब देखते हैं ये रिजल्ट होगा ये 3 तो अपर बाउंड में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 3 तो अपर बाउंड में नहीं आएगा। तो यहां पर भी यही बात चल रही है जो कि हमने पहले केस में ये सपोज किया था। तो इस केस में ये आ रहा है कि x माइनस 1 ओवर m इज एन अपर बाउंड, यहां पर ये शो कर रहा है कि ये अपर बाउंड है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो ये जो वैल्यू आनी है कि सुप्रीमम में से आप अगर कोई भी नंबर माइनस करते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं आता, ये हमें चीज पता है, तो ये कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये मतलब ये हुआ कि जो हमने ये केस सपोज किया था ये केस हमारे पास क्या है, रॉन्ग केस। पहले केस को हमने रॉन्ग प्रूफ कर लिया है, अगर हम सेकंड केस को भी रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं देन ये केस हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर इज लेस देन 2, ये केस नंबर 2 है। अगर ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 है तो अगर आप एक्स स्क्वायर को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो देखें एक्स भी पॉजिटिव है तो 2x भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आप 2x में से एक नंबर ऐड करते हैं तो 2x इज ग्रेटर देन 2 होगा और ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी 2x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगी और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं देन दिस रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसको आप इक्वेशन नंबर स्टेरे कह लें, स्टेरे डैश कह लें। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे डैश बना ली। तो अगर आप इस चीज को एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, अगर आप इसको एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं तो बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट के 1 ओवर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा और 1 ओवर के इज लेस देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, यानी ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई एप्सिलॉन नंबर होगा। तो यानी 1 ओवर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो यहां से अगर आप ये चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रिजल्ट को, इस साइड पर मल्टीप्लाई करें और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 1 ओवर के इनटू 2x प्लस 1 इज लेस देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के इनटू 2x प्लस 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सुप्रीमम में कोई नंबर ऐड करते हैं, सुप्रीमम में कोई नंबर ऐड करते हैं यहां पर, तो देखें ये स्टूडेंट्स ये रियल लाइन है। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक्स है सुप्रीमम, तो अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड करता हूं, ठीक है, वो नंबर है 1 ओवर के, तो अब ये अपर बाउंड होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा। लेकिन यहां पर केस में ये अपर बाउंड नहीं आएगा, देखते हैं। अब देखें अगर इसका मैं स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2x ओवर के। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के, यानी 1 ओवर के आप यहां से भी कॉमन ले लें और यहां से भी कॉमन लें, यह आ जाएगा 1 ओवर के प्लस 2x आ जाएगा। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के इनटू 2x प्लस 1 ओवर के। आप 2x को यहां पर लिख लें और 1 ओवर के को यहां पर लिख लें, तो यही चीज आती है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लेस होगी किससे, कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर के इनटू 2x प्लस 1, यानी स्टूडेंट्स ये वैल्यू अब लेस होगी किससे, इस वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप कहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, हम कोई और वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 प्लस 5, ये स्टूडेंट्स
वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये 4 से ग्रेटर होगी या 4 इज लेस देन 4 प्लस 5 से। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू है और ये कोई छोटी वैल्यू है। यहां पर पहले क्या था, 1 ओवर k था, तो हमने वहां पर जब हम 1 ओवर के k की जगह यहां पर अगर 1 लिख लें तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी इस वैल्यू से, और ये टोटल लेस होगी किससे, 2 से, बिकॉज ये चीज हमने ऊपर निकाल ली है कि ये वैल्यू क्या आती है, इज लेस देन 2 आती है। ये देख लें, ये हमने वैल्यू निकाली थी कि ये लेस देन 2 है। तो दिस शोज दैट x प्लस 1 ओवर k ये अब क्या कर रहा है, s से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब आप सुप्रीम में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, अपर बाउंड होता है। लेकिन यहां पर ये शो कर रहा है कि अब ये जो वैल्यू है कि x प्लस 1 ओवर k ये s से बिलोंग करती है, तो अब जो x है वो सुप्रीमम की जो प्रॉपर्टी है उसको फेल कर रहा है। अब ये जो x है ये सुप्रीमम नहीं हो सकता, या ये आप समझ लें कि ये कंट्रडिक्शन आ रही है। तो देयरफॉर अब जो सेकंड केस था कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ये केस भी हमने रॉन्ग प्रूफ कर लिया। तो पहला केस भी हमारे पास रॉन्ग था, तो सेकंड केस भी अब हमने रॉन्ग प्रूफ कर लिया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये जो केस था स्टूडेंट्स, ये केस ओरिजिनल, तो ये हमारे पास अब ट्रू होगा, बिकॉज हमने केस नंबर 1 को भी रॉन्ग प्रूफ किया था और केस नंबर 2 को भी रॉन्ग प्रूफ किया। तो जो ओरिजिनल ये केस था ये अब क्या ट्रू केस है। तो नेक्स्ट भी यही हमने लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या है, ट्रू केस है। तो एक्स इज डिनोटेड बाय 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट इज देयरफॉर एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल रियल ओनली नंबर है, यानी ये एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो कि रियल है, ठीक है। ये जो 2 स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, ये एक इरेशनल नंबर है और क्या है, रियल नंबर भी है, रियल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर बिकॉज द पॉसिबिलिटीज, ये जो हमने पॉसिबिलिटीज की थी स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हो रही हैं, एक्सक्लूड हो रही हैं, यानी अब ये फेल हो रही हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अब ये क्या होगी, ट्रू होगी। और सिर्फ स्टूडेंट्स एक ऐसा यानी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसका स्क्वायर 2 होगा, वो सिर्फ क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ही होगा, सिर्फ यही नंबर होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हम डेंसिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर, तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स अब डिस्कस करने लगे हैं कि डेंसिटी क्या है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 इरेशनल नंबर सच दैट 2 स्क्वायर रूट, तो एक 2 स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो ये हम प्रीवियस अभी प्रूव कर चुके हैं। तो एक्चुअली There are more irrational numbers. वो कह रहा है कि सिर्फ ये एक तो irrational number है जिसका square root 2 के equal है, लेकिन इसके अलावा भी rational number exist करते हैं, ठीक है students? ये सिर्फ एक ऐसा irrational number है जिसका square root 2 के equal आता है। Actually there are more irrational number, लेकिन irrational number तो काफी सारे होते हैं, सिर्फ एक ऐसा इरेशनल नंबर है 2 स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर 2 की इक्वल आता है। तो देन रैशनल नंबर इन द सेंस दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर, ठीक है, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये डेंस होते हैं इन आर में। अब किस सेंस में ये डेंस होते हैं, कि गिवन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन देम, ठीक है। यानी अगर हम ये जो डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम किस सेंस में इसको कह रहे हैं कि ये डेंस है, कि अगर
कोई से दो रियल नंबर एग्जिस्ट करें, फॉर एग्जांपल ये कोई दो रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई, तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इस सेंस में हम रैशनल नंबर्स को क्या कह रहे हैं कि डेंस इन आर, ये कि डेंस होते हैं इन आर में। ठीक है, अब इसकी थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी का, कि इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स इज लेस देन वाई, कि अगर एक्स और वाई कोई से दो रियल नंबर्स हैं और पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर, तो एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आर इज ग्रेटर देन एक्स और लेस देन वाई। तो इसको हम स्टूडेंट्स किस तरह लिख सकते हैं कि जो आर होगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो इसका ये मतलब होगा कि जो आर होगा वो एक्स और वाई से बिलोंग करेगा, यानी आर बिलोंग्स टू एक्स वाई। तो ये चीज हमने शो कर ली कि रैशनल नंबर एक एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आर इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन वाई। अब इसका प्रूफ देखते हैं, x is less than y, this implies y is greater than x। अगर आप इस साइड से इस चीज को पढ़ें तो क्या आता है कि y is greater than x, तो y is greater than x then y minus x is positive, तो y minus x क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर आप इस चीज को एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं तो then by Archimedean property of R there exists a natural number n, तो by using Archimedean property एक natural number n exist करेगा such that कि 1 over n is greater than 0 less than y minus x। तो इसको अगर आप epsilon consider करते हैं तो 1 over n is less than epsilon is greater than 0। तो अगर आप students n को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या आता है, वन इज लेस देन एन वाई माइनस एन एक्स, दिस इंप्लाइज एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अगर आप इस चीज को इस साइड से पढ़ें तो क्या आता है, एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो यहां से एन वाई की क्या वैल्यू आती है, एन वाई इज ग्रेटर देन एन एक्स प्लस वन या एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एन वाई। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर वन कह लिया है कि एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एन वाई। इफ वी अप्लाई क्लियरली 2.46, ये हमने स्टूडेंट्स जब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो इसकी ये क्लियरली है, क्लियरली नंबर 2.46। इसमें क्या था कि अगर एन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, कि अगर एन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वी ऑब्टेन एम सच दैट, नेक्स्ट है एम सच दैट के वन एम माइनस वन इज लेस देन एन एक्स और एन एक्स इज लेस देन एम। ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास थी प्रीवियस क्लॉरली, तो हमने उसको यहां पर रेफरेंस दिया है कि इस क्लॉरली के मुताबिक एन एक्स क्या है, ग्रेटर देन एम माइनस वन इज लेस देन एम, तो एम माइनस वन इज लेस देन एन एक्स। तो यहां से आप इस इक्वेशन नंबर टू से, जो ये इक्वेशन नंबर टू थी स्टूडेंट्स, यहां से हम ये कह सकते हैं कि एम माइनस वन इज लेस देन एन एक्स। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि एन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एम। तो अगर आप वन को इस साइड पर लेकर आ जाएं, ये बन जाएगा एन एक्स इज ग्रेटर देन एम। अगर आप इस चीज को इस साइड से पढ़ेंगे तो यही हमारे पास रिजल्ट आएगा कि एन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एम। तो देयरफॉर एम इज लेस देन एन एक्स प्लस वन। तो अगर आप इस चीज को इस साइड से पढ़ते हैं तो फिर ये क्या आता है कि एम इज लेस देन एन एक्स प्लस वन। तो फ्रॉम वन, अब इक्वेशन नंबर वन क्या थी स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन थी कि एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एन वाई, ये क्वेश्चन नंबर वन थी। तो कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन
m इज लेस देन n x प्लस वन, n x प्लस वन इज लेस देन n y, यानी n x प्लस वन ये थी स्टूडेंट्स लेस देन वैल्यू थी किससे, n y थे, n y से। इसको हमने कहा था कि ये इक्वेशन नंबर वन है। तो यहां पर ये स्टूडेंट्स आया है कि m इज लेस देन n x प्लस वन, अगर आप इन दोनों को रिजल्ट को, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को कंबाइन करते हैं देन हमारे पास ये रिजल्ट आता, m इज लेस देन n x प्लस वन इज लेस देन n y। तो अगर हम यहां से n x, ठीक है, n x इज लेस देन, तो ऑल्सो n x इज लेस देन m, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो n x है ये लेस देन m है, तो m माइनस वन इज लेस देन n x, और n x लेस देन m है, तो फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू n x इज लेस देन m, और m लेस देन क्या होगा n y से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज हमने एक ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली और ये एक ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली, यानी m इज लेस देन n y, ठीक है, m क्या था लेस देन n y था, ये हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस में देखा था कि m इज लेस देन n y, ठीक है, यानी n x प्लस वन इज लेस देन n y, और इसको अगर आप m कहते हैं कि ये m है तो ये m लेस देन n y होगा, ठीक है। तो यहां पर हम यही चीज यूज कर रहे थे कि n x अगर लेस देन m है फ्रॉम टू, देयर फोर एन एक्स लेस देन m, और m क्या होगा लेस देन n y। तो ये स्टूडेंट्स हम इस चीज को अब यहां पर यूज करेंगे अपने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि n x इज लेस देन m और m इज लेस देन n y। अगर आप यहां पर n से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा x इज लेस देन m ओवर n और m ओवर n लेस देन y, और ये स्टूडेंट्स कोई हमारे पास एक रैशनल नंबर है, बिकॉज अगर m इंटीजर हो और n एक नेचुरल नंबर हो तो इन दोनों का जो कोशेंट होगा वो एक रैशनल नंबर हो, या अगर m भी नेचुरल नंबर हो और n भी नेचुरल नंबर हो तो इनका कोशेंट भी एक हमारे पास क्या होगा रैशनल नंबर होगा, जिसमें n इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर हम r कह लें तो r क्या होगा यहां पर ग्रेटर देन हो जाएगा x, और r लेस देन क्या हो जाएगा 5। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था डेंसिटी थ्योरम में। तो लेट r इज इक्वल टू m ओवर n, देन रैशनल नंबर r इज इक्वल टू m ओवर n इज सच दैट r इज ग्रेटर देन x इज लेस देन y। तो ये हमारे पास थी डेंसिटी थ्योरम। अब यहां नेक्स्ट है इसकी एक हम क्लॉरली को डिस्कस कर लेते हैं कि इफ x एंड y आर रियल नंबर्स विद x इज लेस देन y, ठीक है, x क्या है लेस देन y है, देन देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर, ठीक है, z, सच दैट कि z इज ग्रेटर देन x और लेस देन y। अब ये कह रहा है कि अगर x और y कोई से दो रियल नंबर्स हैं तो इनके दरमियान एक इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है और रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी रैशनल नंबर जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम देखा था कि रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है इन दोनों नंबर्स के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान, और यहां पर एक क्लोरली है कि इन दो नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमने नंबर सपोज कर लिए हैं कि टू स्क्वायर रूट एक्स एंड टू स्क्वायर रूट वाई आर रियल नंबर्स, ये हमने कोई से दो रियल नंबर्स कंसीडर कर लिए हैं, एंड टू स्क्वायर रूट एक्स इज लेस देन टू स्क्वायर रूट वाई, और ये स्टूडेंट्स इनके दरमियान ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि टू एक्स स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट एक्स इज लेस देन टू स्क्वायर रूट वाई, ठीक है, ये कोई से हमने दो रियल नंबर सपोज कर लिए हैं और इनके दरमियान ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट एक्स इज लेस देन टू स्क्वायर रूट वाई।
इन्हें अगर आप क्या करें कि ये सपोज कर लें कि ये कोई से दो रियल नंबर्स है, तो इनके दरमियान भी एक क्या करेगा, रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा बाय यूजिंग नेस्ट इफ प्रॉपर्टी। तो रैशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट एक्स और लेस होगा टू स्क्वायर रूट वाई। तो देन अगर आप टू स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड कर लें तो देखें क्या आता है, आर ओवर टू स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन एक्स और ये लेस देन वाई है। लेट जेड, इस चीज को मैंने स्टूडेंट्स जेड कंसिडर कर लिया है। अब देखें ये जो नंबर होगा स्टूडेंट्स आर ओवर टू स्क्वायर रूट, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा, इसको मैंने जेड कंसिडर कर लिया है। देन जेड इज इरेशनल नंबर, जेड हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा जो कि इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा सेटिस्फाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।